हेलो, नमस्कार सभी को। मैं रॉयल अरुणाचल राइडर्स से मैं लिली तुम्बम रिबा जोमो, मैं स्पोक्स पर्सन हूँ आरएआर की। तो आज हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने आज नेशनल रोड सेफ्टी वीक के तहत जो राइड किया है ईटानगर ट्रैफिक पुलिस के साथ। वैसे देश भर में नेशनल सेफ्टी वीक मनाया जा रहा है, रोड सेफ्टी वीक, लेकिन हमारे यहाँ जागरूकता की कुछ ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए यहाँ पर अरुणाचल जो ईटानगर के जो ट्रैफिक पुलिस है, ये डिपार्टमेंट जो है रोड सेफ्टी मंथ मना रहे हैं, जिसके तहत हम सभी राइडर्स आज यहाँ शामिल हुए और हम लोगों ने इन कोलाबोरेशन विद ईटानगर ट्रैफिक पुलिस हम लोग यहाँ पे आज राइड किए हैं, जो अवेयरनेस राइड है रोड सेफ्टी पर ही। वैसे रोड सेफ्टी पर सबको पता है, सभी को पता है कि रोड सेफ्टी किस तरह से उन लोग मानना चाहिए, लागू है सभी पर। उसके बावजूद भी हम लोग जो है, हमारे पब्लिक, हम लोग भी कभी कभी केयरलेस हो जाते हैं, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग ये भूल जाते हैं कि जीवन बहुत ही अनमोल है। इसे किसी तरह की दुर्घटना में, किसी भी तरह की एक्सीडेंट दुर्घटना में नहीं खोना चाहिए। छोटी छोटी असावधानी से जो बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, ये बात हम लोग भूल जाते हैं और कई बार लोग केयरलेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं होती हैं। तो इन दुर्घटनाओं से हम लोगों को बचना है, बचाना है। सेफ्टी जो है एक स्लोगन नहीं होना चाहिए, जहाँ तक हमारा ख्याल है। सेफ्टी जो है हमारा लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, हमारे जीने का एक तरीका होना चाहिए। ये सेफ्टी चाहे घर में हो, चाहे बाहर हो, और तो और आप जब सड़कों पर हो तो स्पेशली ट्रैफिक सेफ्टी बहुत ही ज़रूरी है, आपका अपने लिए, अपनी जान की सुरक्षा के लिए, और अपनों के लिए भी और सामने वालों के लिए भी। आपकी ज़रा सी सावधानी से आप खतरे में पड़ सकते हैं और सामने वाले भी आपके दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। तो बहुत सारे ट्रैफिक रूल्स हैं जो सभी को पता है, उसके बावजूद भी हम लोग कभी कभी ध्यान नहीं देते। जैसे कि जब आप दुपहिया वाहन पर हो, टू व्हीलर पर हो, तो कभी भी गलती से भी अब बिना हेलमेट के ना निकले। और साथ ही साथ हमारे यहाँ मैं अक्सर देखती हूँ कि चलो राइडर ने हेलमेट पहन लिया, लेकिन पिलियन राइडर हेलमेट पहनते ही नहीं हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है कि दोनों को हेलमेट पहनना है, क्योंकि जितना राइडर की जान कीमती है, उतने पिलियन राइडर की जान भी कीमती है। और तो और टू व्हीलर पर कभी भी ट्रिपल कैरी हरगिज ना करें, इससे आप अपने साथ साथ अपने साथियों की भी जान को खतरे में डालते हैं। और तो और आप जब गाड़ी चला रहे हो तो बिना सीट बेल्ट के बिल्कुल गाड़ी न चलाएं, सीट बेल्ट आपकी सुरक्षा के लिए है। और फिर आप जब गाड़ी चला रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बिल्कुल भी न करें। अगर बहुत ही इमरजेंसी है तो आप रोड साइड में गाड़ी को पार्क करने के बाद ही आप तब फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह की कई तरह के सुरक्षा नियम हैं, जिसको अगर आपने लागू नहीं किया, आपने नहीं माना, जैसे शराब पीकर गाड़ी आप चलाते हैं तो आप पर बहुत बड़ा जुर्माना लग सकते हैं। और जुर्माना, अगर जुर्माने के साथ साथ 6 महीने की आपको जेल भी हो सकती है। तो इन सब बातों का ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। और भी कई सारे ट्रैफिक रूल्स हैं जिस पर ये विभाग जो है बहुत सुंदर तरीके से कई दिनों से लगे हुए हैं जागरूकता फैलाने में। आज हम लोग राइड के साथ साथ हमारे आगे जो पुलिस गाड़ी जो चल रही थी उस पर भी ये नियम कानून जो है बैनर में लगी हुई थी, और साथ ही ये सब नियम कानून को रिकॉर्ड करके बजाते हुए गाड़ी आगे आगे चल रही थी, लोगों ने सुना होगा। और आप सभी से हमारी ये दरख्वास्त है कि आपने जो आप आज सुना और आप जो सुनते आए हैं, ट्रैफिक रूल्स की अवहेलना बिल्कुल भी न करें, उसे ध्यान से सुने वो क्या कह रहे हैं और उस पर अमल ज़रूर करें। आपकी सुरक्षा हमारी सुरक्षा, हम सबकी सुरक्षा। हम सुरक्षित हैं, आप सुरक्षित हो तो सभी सुरक्षित हैं। और इन सुरक्षा नियमों का ज़रूर ध्यान दें और इस पर ज़रूर अमल करें। ये जैसे कि मैडम ने कहा है कि ये वीक होता है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मंडे को, फिर हम लोग का रोज डे है, जो हम लोग का कोशिश करेगा कि पब्लिक को प्यार से हम लोग पहले समझाएं, जिसके माध्यम से वो लोग ये समझ पाए कि ये गलती दोबारा ना करें। तो कोशिश तो ये जारी रहेगा। और हम लोग का 15 को हम लोग हेलमेट डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, थ्रू हमारे फ्री हेलमेट डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, क्योंकि उस पर भी ये भी अवेयरनेस के थ्रू ही करेगा ना, ही इसमें कोई हेलमेट दे के हम लोग सबको हेलमेट दे पाएगा ऐसे भी नहीं है, लेकिन
हेलमेट इसे यही अवेयरनेस फैलाना चाहता है कि हेलमेट को देके हम लोग का हेलमेट पहनने के लिए हम लोग का ये बताने का अवेयरनेस टाइप क्या होगा। जैसे कि आप लोग को बताया गया है कि अवेयरनेस तो ज़्यादातर आदमी को पता भी है और कोई कोई नेग्लिजेंस जानबूझ कर करता है। और अभी तक हमारा एसपी सर ने भी ये कह चुका है कि जिमी सिरम सर ने भी बहुत सारा 90% आदमी तो मानता है अभी रूल्स को मानने के लिए ट्राई कर रहा है, लेकिन अभी भी 10% बचा हुआ है तो उसको हम लोग इन्फोर्स करते हैं। चलन बहुत हैवी है और हम लोग चाहता है कि चलन ही ना हो, क्योंकि सब अगर सही करेगा तो चलन काटने का जगह नहीं होगा पुलिस को। तो चलन काटना ये करना हम लोग के लिए कोई बड़ा बात नहीं है, बहुत प्राउड वाला बात नहीं है। ये हम बार बार रिपीट करता है कि ये हम लोग के लिए शर्म वाला बात है कि हम लोग बहुत इनडिसिप्लिन है। और पैसा ज़्यादा आने का मतलब ये है कि हम लोग ज़्यादातर फोकस जो रुपया में नहीं करता है कि हम लोग चलन अमाउंट कितना 80 लाख 90 लाख हम लोग हो गया ऐसे बोल के हम लोग नहीं घूमते हैं। हम लोग का ये है कि जिसको फर्स्ट ऑफेंसेस में आपका चलन हैवी चलन होगा, सेकेंड ऑफेंसेस में आपका चलन डबल हो जाता है, उसका थर्ड ऑफेंसेस में आपका 6 महीना का आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, और अगर आप फोर्थ ऑफेंस करता है तो आपका 1 साल का लाइसेंस कैंसिल होगा, और अगर आप 5th बार करता है तो आपका लाइफ टाइम तक आपका गाड़ी नहीं चला सकेगा, आपका लाइफ टाइम तक आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, आपको कभी लाइसेंस नहीं मिलेगा। हम लोग जुडिशियल मजिस्ट्रेट का थ्रू DTO को लिख के दे देगा कि इसका लाइसेंस कभी ना बने। तो ज़्यादातर अगर हैबिचुअल ऑफेंडर है तो उसको कभी लाइफ टाइम वो गाड़ी नहीं चलाया जा सकेगा। हम लोग का मोटो है कि एक आदमी का गलती से 10 आदमी को गलती तकलीफ ना हो। 10 हम लोग का ये है कि ज़्यादातर जो मास है उसको ज़्यादा तकलीफ ना हो, इसलिए हम लोग छोटा छोटा चीज़ को सही करने का ट्राई करता है। तो जितना भी हम लोग का अभी इश्यूज चल रहा है, बहुत आदमी लोग आपका वो भी करता है कि कंप्लेन करता है पार्किंग नहीं होने का ये मतलब नहीं है कि आप रास्ता में ही गाड़ी को रख दें। आप सही से पार्क कर सकते हैं गाड़ी को, और अगर आप गाड़ी 2 लेन है तो 2 लेन में जाने के लिए आप ट्राई कीजिए कि दूसरा आदमी जो अब नॉर्मली आप एक लास्ट बोलना चाहिएगा कि जब 2 लेन गाड़ी चलता है तो 2 गाड़ी अगर 25 गाड़ी हो जाता है और 100 गाड़ी 50 गाड़ी हो जाता है तो आप घर भी जल्दी पहुंच पाएगा अगर आप 2 लेन में चले। लेकिन कुछ लोग ऐसा है कि गाड़ी को 1 लेन का साइड में रख देता है, उसका वजह से जो दूसरा लेन वाला जो तीसरा दूसरा लेन में चेंज करने के लिए ट्राई करता है तो उसके कारण से ट्रैफिक जाम भी रहता है, और पहला गाड़ी भी सोचता है हम पहले जाएगा तो दूसरा वाला सोचता है हम पहले जाएगा, उसका चक्कर में और जाम भर जाता है। हम लोग का आज का प्रोग्राम ये कोलैबोरेशन विद रॉयल अरुणाचल राइडर्स के साथ में हम लोग किया है, जिसका चीफ हम लोग का ये रोहित जम्मू जी है, और आपका स्पोक पर्सन ने तो कह दिया, और जितना भी हम लोग का टीम्स अभी लगभग बाकी चला गया और कुछ बजे यहाँ पर रुका हुआ है, और आफ्ताब का भी कोई आदमी हम लोग का साथ में रिप्रेजेंट कर यहाँ पर किया है। तो उसके बाद हम लोग का जो बाइक राइड का ये था कि हम लोग गंगा से हम लोग लेके नारलगन का कंकड़ नाला के आस वहाँ पे किया, क्योंकि उसका आगे रोड कंडीशन भी ठीक नहीं है, तो हम लोग सोचा कि नहीं इतना लंबा रोड मार के फ़ायदा नहीं है, तो हम लोग यहाँ से वापस टर्न करके हम लोग गंपा में यहाँ पे हम लोग का यहाँ ख़त्म किया है।